देखते क्राइम से जुड़ी कुछ खबरें। छुट्टी पर आए पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या, आतंकियों ने घर में घुसकर मारी गोली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छुट्टी पर अपने घर आए पुलिस हेड कांस्टेबल की बुधवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि इलियास अहमद उत्तर कश्मीर के हंदवारा में जिला पुलिस की विशेष शाखा से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों ने खानियार में स्थित उनके घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि वह छुट्टी पर अपने घर गए थे। पारस अस्पताल के दिए दर्द से आज भी कराह रहे हैं श्याम रजक। पटना के पारस अस्पताल के दिए दर्द से आज भी पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक श्याम रजक कराह आने को मजबूर है। श्याम रजक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में श्याम रजक दर्द से कराहते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि श्याम रजक ने पारस अस्पताल पर गलत इलाज करने को लेकर मामला दर्ज करा दिया है। श्याम रजक का इलाज अभी राजेश्वर अस्पताल में चल रहा है। वायरल वीडियो में उसी अस्पताल का बताया जा रहा है। बता दें कि पटना के पारस अस्पताल की स्थिति नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली हो गई है। अस्पताल मरीजों की जान बचाने के बजाय उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पूर्व मंत्री सह जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक भी पारस अस्पताल के डॉक्टरों के फेरे में फंसकर दर्द से कहराने को मजबूर है। अस्पताल के डॉक्टरों ने विधायक श्याम रजक की जान से खिलवाड़ किया। इसके बाद विधायक श्याम किसी तरह वहां से निकलकर दूसरे अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इसके बाद विधायक श्याम रजक ने पारस अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ राजधानी के शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज कराया है। पटना पुलिस को मिली सफलता, जक्कनपुर थाना इलाके में अपराधी अभिषेक कुमार को किया गिरफ्तार। पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जक्कनपुर थाना इलाके के गोरिया मठ के पास से नशे की हालत में एक अपराधी अभिषेक कुमार को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, कारतूस, चाकू, गाड़ी और मोबाइल बरामद किया गया है। अपराधी अभिषेक कुमार पर नशे की हालत में फायरिंग करने का भी आरोप है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।